कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पैलेस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन छोटू भैया। उम्र के पहले पड़ाव में हो जाती है किसी के जीवन में, उम्र के अंतिम पड़ाव में भी हो जाती है, किसी के जीवन बीच के पड़ाव में हो जाती है। ने जीवन इस प्रकार का है कि प्रतिकूलताएं कई बार आती रहती हैं, और ऐसी प्रतिकूलता आ जाती है, इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं कि व्यक्ति अंदर से एकदम घबराने लगता है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, उसे ये समझ में नहीं आता आखिर मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस रास्ते पर कदम बढ़ाऊं। उस समय हमें संभल देने के लिए, उस समय हमें संभालने के लिए, क्योंकि वो सबसे नाजुक क्षण होता है जीवन का, उस समय हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है कोई हमें संभाल ले, कोई हमें सपोर्ट दे दे, हमारा हाथ पकड़ ले, हाथ ना पकड़े तो कम से कम सही रास्ता ही बता दे। वो सबसे ज्यादा ऐसा क्षण होता है, उस क्षण में व्यक्ति एकदम गिर भी सकता है, और यदि उस क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया किसी भी माध्यम से, स्वयं के बलबूते पर अथवा किसी अन्य के प्रेरित करने पर, तो फिर वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, जीत जाएगा, उस युद्ध में आगे बढ़ जाएगा। और उस समय यदि उसे किसी ने नहीं संभाला तो वो टूट जाएगा, और वो ऐसा टूटेगा फिर कभी उठ ही नहीं पाता है। ऐसे लोग ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन मोड़ों पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को, सब कुछ है उनके पास, सारी अनुकूलताएं, पैसा है, डिग्री है, परिवार है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी वो इतने ज्यादा निगेटिविटी से भर जाते हैं, इतने डिप्रेशन अवसाद में चले जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं। उस समय सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता होती है उस दर्पण की, समझो इस बात को। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, ये आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, ये आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा, ये आपको कोई शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा, ये आपको आपके घर में नहीं मिलेगा, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी ना मिले, ये आपको कहीं और ही मिलेगा। और वो व्यक्ति होता है हमारा आइडियल, हमारा गुरु, जो हमें ऊपर उठा ले, गिरते से बचा ले, सहारा दे दे, न केवल सहारा दे दे, रास्ता भी बता दे, और स्वयं में भी वो चलता है आपके साथ दूरी तक, बहुत दूरी तक। हो सकता है वो आपके साथ प्रत्यक्ष में ना भी हो, लेकिन उसके शब्द, उसकी वाणी, उसकी शिक्षा, उसका संदेश हमेशा आपके मस्तिष्क में गूंजता रहेगा। जब जब आप निराशा से भर उठोगे, उसके वह शब्द आपको उठा लेंगे, अंदर से प्रेरणा देने लेंगे। तो सभी लोगों से कह रहे हैं, जीवन में ऐसे व्यक्तित्व को अवश्य खोज लेना, उसकी डिस्कवरी करो। कोई आया था, उसकी टी शर्ट में कुछ लिखा था, डिस्कवर। किसकी टी शर्ट में लिखा है? तुम्हारी टी शर्ट में क्या लिखा है? डिस्कवर। अर्थ क्या होता है? खोज। ऐसे व्यक्ति की खोज करो, उसकी खोज कर ली तो सबकी खोज हो जाएगी। ताश खेली है आपने? उसमें एक जोकर होता है, होता है? वो जोकर हर जगह काम आता है, आता है ना, इक्के में भी लग जाएगा, बादशाह में भी लग जाएगा, जहां आपको मैच करना है, जहां आवश्यकता पड़े। वो मास्टर की होती है, वो हर जगह लग जाएगी, जिस भी क्षण में, जिस मोड़ में, जिन परिस्थितियों में,
एक से लेकर जितने भी नंबर अंतिम नंबर हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, हर जगह काम में आता है वो पत्ता, आता है कि नहीं? खेला है ना, सबने खेले होंगे, देखे तो होंगे, नहीं देखे? तो जीवन में एक ऐसी मास्टर की होती है जो हर ताले में लग जाएगी। किसी भी ताले को खोलना हो आपको, तो हर ताले की वो चाबी है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, जीवन की किसी भी दुविधा में क्यों ना हो, हर दुविधा में वो मास्टर की लगेगी। शुरू से लेकर अंत तक की आपकी जीवन यात्रा में, तो सबसे कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति की खोज करना सीखो, अपने जीवन में उसे खोजो। उसे खोज लिया फिर अन्य सारी खोजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करता चला जाएगा। वो हमारे लिए रास्ता दिखाएगा भी नहीं, मात्र दिखाएगा ही नहीं, वो हमारे लिए रास्ता बना भी देगा। कुछ लोग मात्र रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कुछ और बड़े होते हैं, रास्ता बना भी देते हैं। स्वयं कष्ट झेल करके आपके लिए सारी अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। आप बताना कितने लोगों ने ऐसे व्यक्ति को खोजा अपने जिंदगी में? किसी ने नहीं खोजा, किसी ने आपको बताया नहीं आज तक? नहीं बताया? अरे सबने ये तो बताया है कि जीवन में गुरु होना चाहिए, नहीं बताया? तो गुरु और क्या करते हैं? यही तो कार्य करते हैं गुरु। आप लोगों ने गुरु का अर्थ है उदक चंदन तंदल पुष्प कहे अर्घम निरुपामी तीसरा, अथवा पैर दबा दिए हो गया हमारी, अथवा आहार दान दे दिए हो गया। ये तो बहुत ऊपरी चीज है, गुरु इसके लिए होते ही नहीं। गुरु तो हमारे रूप और स्वरूप दोनों को बदलने वाले होते हैं, वो सिर्फ पूजा के योग्य के लिए नहीं होते हैं। गुरु तो सब क्षेत्र में काम में आने वाले होते हैं, हर कदम में काम में आने वाले होते हैं। हम कहीं पर भी रहें, आप घर पे हो, बाहर हो, भोजन कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, घर से बाहर कहीं बहुत दूर हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बीमार हो, आप परेशान हो, आप मन से हारे हुए हो, मन से थके हुए, खास कर तब वे काम में आने वाले होते हैं। लेकिन आपने तो अपने जीवन में गुरु को भी ढंग से समझा ही नहीं, नहीं समझा ना? आपने क्या समझा गुरु का मतलब? हाथ पैर दबाना, आहार कराना, उनके पास आकर के दर्शन कर लेना, इतना ही ना? सबने इतनी संकीर्ण परिभाषा बना करके रखी, संकीर्णता नहीं, यहां यहां बहुत विशालता है। गुरु के पास जाकर के हमें सब कुछ मिल जाएगा, जो हम अंतरंग से चाहते हैं, जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते वो उनसे हम शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। जब कोई रास्ता हमें नहीं सूझता हो कि हमें क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, तो वो हमें रास्ता भी बनाएंगे, दिखाएंगे और बना करके भी दे देंगे। तकलीफें आपकी रहेगी, कठिनाई वो झेल लेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्योंकि समय आपका हो रहा है। कितने लोग खोजना चाहते हैं? अच्छा अब बताओ, खोजो, ये सबसे बड़ी खोज है जिंदगी की, इससे बड़ी खोज कोई खोज नहीं। आपने यदि ये खोज लिया तो समझना हमने सब कुछ खोज लिया, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा आपको। कोई चिंता आपकी नहीं रहेगी, कोई विकल्प आपका नहीं, कोई टेंशन आपका नहीं, सब कुछ वो उनका रहेगा, सब कुछ उनका रहेगा। ये पुरुषार्थ करना सीखो, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। करोगे? आप फिर पूछोगे महाराज जी कैसे खोजें, कोई लेंस है, कोई टॉर्च है, कोई हेलोजन है, कोई फोकस है, कैसे खोजोगे?
उसका एक आसान सा तरीका है, कथनी करनी देखो सामने वाले की, उसका कैरेक्टर देखो, उसका आचरण देखो, उसकी निष्प्रहता देखना है। वो स्वार्थ के बस तो नहीं कह रहा है, लोभ तो नहीं है उसका, कोई कोई आकांक्षा तो नहीं, कोई स्वार्थ तो नहीं लगा स्वयं का। जो निपुण निस्वार्थ पूर्ण निष्प्रह होकर के, कोई इच्छा नहीं अंदर, वो आपसे कुछ चाहता नहीं है, तो आप बोलोगे ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, मिल जाते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। अब उन बहुत सारों में हमें उसे खोजना है जो हमारे अंतरंग के सारे प्रश्नों को हल कर दे, अंतरंग की सारी दुविधाएं जिसके चरणों में जाते ही स्वतः ही शांत होने लगे, हम स्वतः ही जिसके चरणों में जाकर के आश्वस्त होने लगे, हमारी विशुद्धि अपने आप बढ़ने से लगे, हमें बहुत प्रशस्तता लगने लगे, बहुत अच्छा सा लगने लगे, जो हमें देख करके हमारी परेशानियों को समझ ले, हमें कहने की आवश्यकता ना हो और वो हमें पढ़ ले, हमारे मन की बात को भी वो जान ले। उलझ तो नहीं रहे? हाँ, कैसे पहचानोगे, कैसे पकड़ोगे? अब देखो, हीरे की खोज करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करना पड़ती है, हीरा ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जो जितना कीमती होता है उसके लिए उतना ही पसीना भी बहाना पड़ता है। अभी आपको स्वयं खोजना होगा, स्वयं निर्णय लेना होगा कि सामने वाला व्यक्ति यह योग्यता रखता है कि नहीं। हाँ, सिर्फ उसमें आप किसी से पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा आपको कुछ बता देगा, लेकिन जिसके चरणों में जाकर के आप पूर्ण निश्चिंत हो जाए, लगे कि अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं, अब यह व्यक्ति मेरी सारी परेशानियों को हल कर देगा, सॉल्व कर देगा। बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हो रही, हम जमीनी धरातल पर रख करके बात करना चाह रहे, हो जाएगा? जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, विदाउट पेन नो गेन, यदि हम कुछ गेन करना चाहते हैं तो बिना पीड़ा के गेन नहीं होगा। कुछ पाना है तो बहुत कुछ हमें खोना पड़ता है। क्या खोना है? और गुरु को जब पाना है तो अपनी सुविधाओं को खोना पड़ेगा, अपने थोड़े से शारीरिक आनंद को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा। नहीं पाना है तो फिर जिंदगी निकल गई सोते सोते, तो आप सोते सोते बाकी का भविष्य भी बिता सकते हो। और यदि पाना चाहते हो, सबसे कह रहे हैं, थोड़ा सा आलस्य से, प्रमाद से ऊपर उठना सीखो। समझ में आया विषय? नहीं समझ में आया आज का विषय? हाँ, तो खोजोगे? अभी भी कई लोगों के डाउट्स होंगे। क्या डाउट्स हैं? हाँ बोलो, जल्दी पूछो। हाँ जी, बहुत दिनों से मन में एक जिज्ञासा थी। हाँ बोलिए महाराज जी। व्हाट इज द रीजन और मूवमेंट और टर्निंग पॉइंट व्हिच इंस्पायर यू फॉर योर सुप्रीम सैक्रिफाइस? अभी हम अपने बारे में नहीं पूछ रहे, पहले तो हम आपकी समझते हैं महाराज जी। अभी हमारा टर्निंग पॉइंट तो छोड़ दो लाइफ का, महाराज जी सभी जी सब जन अपना अपना टर्निंग पॉइंट खोजें, क्योंकि आचार्य वर कहते हैं टर्निंग पॉइंट रिटर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट जो होता है, रिटर्निंग पॉइंट होता है, व्यक्ति रिटर्न होकर के अपने आप तक लौटता है। अभी तक हम सभी बाहर भाग रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, अब अपने आप को जानने के लिए अपना मन अपने विषय में सोचे, ये पुरुषार्थ करना है। क्योंकि आपने ये पुरुषार्थ कर लिया ना, तो देखना इससे आपका बाहरी वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी,
आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, बहिरंग और अंतरंग दोनों बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी रही हमारी टर्निंग पॉइंट, तो अभी बहुत समय नहीं, फिर कभी बताएंगे। हाँ, और दूसरा इस टॉपिक को लेकर के डाउट्स हैं, हमें वो पूछना चाहते हैं। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संदीप माहेश्वरी है, हम उसके मोटिवेशनल क्लासेस को सुनते हैं, हमें गुरु आज बताते हैं क्लासेस में कि हमें कैसा करना चाहिए, 102 दिन तो हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ को लेके कि हमें ऐसा करना है, लेकिन हम उस चीज़ पे दृढ़ संकल्पित क्यों नहीं हो पाते कि हम उसको आगे वैसा पूर्ण जीवन पे भी करेंगे, तो वो दृढ़ संकल्प लाइफ में कैसे अचीव करना है? ये दृढ़ संकल्प कैसे अचीव करें हमारे जीवन में, वह प्रभाव, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है जो शब्दों से नहीं आचरण से बोलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कई लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो जो बोल रहे हैं उनका जीवन वैसा ही हो। तो अब आपने पूछा दृढ़ संकल्प हम कैसे बनाएं, कुछ दिन हमें अच्छा लगता है, कुछ देर अच्छी लगती है सारी बातें, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद हम पुनः वैसे के वैसे हो जाते जैसे पहले थे। जब जब हम वैसे ही के वैसे होने लगे तो तुरंत अपना ध्यान उस आइडियल की ओर लेकर के जाए, तुरंत उस व्यक्ति के बारे में सोचे, तुरंत आचार्य भक्त प्रवर के बारे में सोचे, देखिए उन व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में रहते हुए अपना विकास किया, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तो आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, तो आपके मन की बैटरी यदि डिस्चार्ज होने लगे, आप सोचने लगे कि अरे बहुत हो गया, तो तुरंत उसे चार्ज कीजिए, या तो उस व्यक्ति के पास चले जाइए, जाते ही हमें वहां से वो पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगती हैं। यदि हम नहीं जा पाते हैं वहां तक, तो जो उन्होंने कहा है उनकी वाणी को सुनना सीखें, जो उन्होंने कहा है उनके शब्दों को हम श्रवण करना सीखें, तो उससे भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। और यदि वह भी नहीं सुनते सकते हैं तो उसे रिकॉल करें जो उन्होंने पहले बताया था जब हम उनके चरणों में थे, पास में थे, तो एक अलग ही उत्साह भीतर से पैदा होता है। क्योंकि हम भी मानते हैं रहते रहते बैटरी डिस्चार्ज होता आती है, व्यक्ति को लगता है अपन तो वैसे ही जिए, तो अपने आप को संभालने की बहुत आवश्यकता है। आप लोग पावर बैंक साथ में लेकर के चलते होंगे, नहीं तो ऐसे ही कोशिश करना कि गुरु रूपी पावर बैंक हमको हमेशा मिलते रहे, उनके पास हम आते रहें। ठीक है, आज समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पैलेस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन छोटू भैया।